लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी की तैयारी आज लखनऊ में होगी आईटी सेल की बैठक। सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति को और तेज करने वाली है उसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। लखनऊ में आईटी सेल की बैठक बुलाई गई है। सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत करने पर मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हर जिले से सोशल मीडिया टीम के जो तमाम सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया के जरिए संगठन को और मजबूत करने और लोगों तक पकड़ को और ज्यादा बढ़ाने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आईटी सेल की आज लखनऊ में बैठक है बीजेपी की, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और लखनऊ से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का करेंगे स्वागत। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी पहले पहुंचेंगी और उसके बाद उनका लखनऊ का भी दौरा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ से सांसद आज द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री आज पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब लखनऊ पहुंचेंगी तो उनका एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत करेंगे। तो लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर रहने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू भी लखनऊ पहुंचेंगी, उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बिग प्लान, 80 सीटों पर जीत के लिए बनाई बड़ी योजना। 225 विस्तारकों की फौज को किया गया तैयार, कमजोर बूथों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। तो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बिग प्लान तैयार किया गया है। 80 सीटों पर जीत के लिए बड़ी योजना तैयार की जा रही है। 225 विस्तारकों की फौज को तैयार किया गया है।